हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो भैया, बिटकॉइन जो है वो वापस थोड़ा करेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह है कि भैया आप सब शांति से वेट करना चाहते हैं कि आज के दिन मार्केट ओपन कैसे होने वाला। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा तो मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉफिट्स ले लो। ओके, और अभी आज भी हमें यही करना है। आज थोड़ा और हमें शांति से देखना है। एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या है वो रेजिस्टेंस, क्या होने वाला है उस रेजिस्टेंस का, वो देखते हैं। ढेर सारी न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे भाई, हमारा फेवरेट सेक्शन ऑल्टकॉइन ऑफ द डे फ्लक्स, इस टोकन के लिए बहुत बहुत मैसिव न्यूज है। और ये Web 3.0 का बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, लेकिन ये ब्राइट फ्यूचर में ये कितने प्राइस टारगेट को टच करने वाला है, फिलहाल बाइंग जोन में है कि नहीं, वो सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। मार्केट आज जो है वो 1 पॉइंट, शायद एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, होपफुली आई थिंक 1.70 ट्रिलियन डॉलर्स पे ही है। सो कुछ ज्यादा मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2.24% नीचे है, बट कल भी हम लोगों ने जब देखा था तो 1.71 के आसपास ही था। ओके, डोमिनेंस उसको भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 42 के पास है बिटकॉइन। इथीरियम का डोमिनेंस बढ़ा क्योंकि इथीरियम अच्छा खासा होल्ड कर रहा है यार अपना प्राइस। अगर तुम देखते हो तो बिटकॉइन 2% नीचे है, बट इथीरियम अभी भी जो है वो संभले हुए है, $2,500 के ऊपर है इथीरियम। लेकिन अगर हम लोग वो रेजिस्टेंस की बात करें, और हाँ, फेयर इंडेक्स अगर तुम देखते हो तो आज 29 है, तो एटलीस्ट लोगों में डर कम होता जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन ट्रेडर्स जो है उन्होंने प्रॉफिट्स लिए, और उनके लिए बहुत सिंपल था। अगर तुम ये चार्ट देखते हो बिटकॉइन का, तुम देखो ये बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन है। हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, टेस्ट करने की कोशिश की, फेल हुए, वापस नीचे आए, फिर टेस्ट करने की कोशिश की, फेल, फिर फेल, फिर फेल। ओके, और अब फाइनली फिर हम लोग इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन रेजिस्टेंस है क्योंकि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट का वेट कर रहे हैं। ओके, और मैंने आपको पहले भी बोला था ये अच्छा टाइम है, मेक श्योर यहाँ प्रॉफिट्स लो, यहां बाय करो। अब ये रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐसे बाय ब्रेक नहीं होती है, वो यूजुअली ऐसे डबल बॉटम से ब्रेक होती है। ओके, तो तुम्हारे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहां हम लोग ट्रेड लेंगे। लॉन्ग टर्म वाले मेरे भाई, तुम कुछ मत करना, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड लेने वालों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। ये डबल बॉटम पे हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि यहां से बिटकॉइन जो है वो बहुत बढ़िया 60-70K की रैली दिखाने वाला है। ओके, अब बिटकॉइन का रेजिस्टेंस, बिटकॉइन क्यों ब्रेक करेगा वो हमारे बता रहा है ये RSI का चार्ट। ओके, तो तुम देखो प्राइस में चाहे हमने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, बट RSI में तुमने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ओके, उसे ब्रेक करने के बाद हम लोग रीटेस्ट कर रहे हैं। ये रीटेस्ट थोड़ा कंसोलिडेशन, जिसमें प्राइस का भी डबल बॉटम हो जाएगा और RSI भी यहां से ऊपर निकल जाएगा और प्राइस भी वैसा ही करेगा। ओके, सो टेंशन जैसा कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट होपफुली अच्छा ही ओपन हो मंडे को, और वो ओपन अच्छा होता है तो भैया बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है। इसका एक और एडवांटेज, बिटकॉइन फ्यूचर्स जो है वो 37790 पे क्लोज हुए थे, और हम लोग अभी 37735 पे है, जिसका मतलब क्या है कि गैप ऊपर की तरफ रहेगा तो प्राइस को वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा। सो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप बुलिश न्यूज देखते हो, अब बुलिश न्यूज में अगर आप देखते हो तो भैया ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग बिटकॉइन और इथीरियम अपने अर्ली अडॉप्शन डेज में है। अगर ये अर्ली अडॉप्शन है जहां बिटकॉइन ऑलमोस्ट $40,000 पे है, इथीरियम ऑलमोस्ट $2,500 पे है, मेरे भाई थोड़े टाइम के बाद जब ऐसा मिड एज आएगा या फिर जब फुली अडॉप्ट हो जाएंगे, तो तुम लोग सोचो ये प्राइस कहाँ का कहाँ जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट बड़ी न्यूज, एक और लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट करेगी। हम लोगों ने एल सेल्वेडोर देखा, टोंगा की न्यूज सुनी, एरिजोना ने बिल जो है वो डाल दिया है पास करवाने के लिए, और एक और कंट्री, अब ये पैराग्वे है, ये ब्राजील है, या कौन सी कंट्री है वो हमें डेफिनेटली पता चलेगा, लेकिन ये हिंट दी है भैया बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट मैक्स कीजर ने, या काइजर ने, जो भी उनका नाम है। ओके,
देखते हैं कौन सी है वो कंट्री, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डेफिनेटली ऊपर लेके जाने वाली है, सो वी आर गुड। ओके, नेक्स्ट न्यूज, बिटकॉइन 40 लैंग्वेजेस में, अब बिटकॉइन का वाइट पेपर है, रिसेंटली उन लोगों ने नेपाल जो कंट्री है हमारे पड़ोसी देश उनकी लैंग्वेज नेपाली में उसको ट्रांसलेट किया है। सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन के वाइट पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जितना समझेंगे उतना अडॉप्ट करेंगे, और जितना अडॉप्ट करेंगे उतना प्राइस जो है वो 100K के पास जाएगा। ओके, और एक चीज और, अगर आप देखते हो ना जो बिटकॉइन का ट्रांसफर वॉल्यूम है, इसे देख के समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशंस इसे किस लेवल पे यूज कर रहे हैं। ओके, अगर तुम ये चार्ट देखते हो ना, तो इसमें उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस बनाए हैं, ये रेड येलो, लेकिन अगर तुम फोकस करोगे तो मेन ये दो ग्रीन है। ओके, और एक्चुअली ये वाले दो ग्रीन, उसमें तुम देखो 65% ट्रांसफर वॉल्यूम जो है वो $1 million के ऊपर का है, मतलब इतना बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, और जो 40% है वो 10 million से ज्यादा है, मतलब वेल्स समझ चुके हैं, इंस्टीट्यूशन समझ चुके हैं कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, और मेरे भाई अब इसीलिए वो इसे यूज कर रहे हैं। ओके, सो तुम वही देखो, इसका जो रियल टाइम यूजेज है ना, ये रियल वर्ल्ड यूजेज है, वो बढ़ने वाला है, और वो प्राइस को भी सॉलिड बढ़ाने वाला है। ओके, नेक्स्ट और आखिरी न्यूज, माइनर्स मान रहे हैं कि जो हैश रेट है ना बिटकॉइन का, वो और ग्रो करने वाला है, और जब भी बिटकॉइन का हैश रेट ग्रो करता है, प्राइस उसको फॉलो करता है। हैश रेट नए ऑल टाइम हाई पे है, प्राइस भी बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, और फेब मंथ हमेशा से बिटकॉइन के लिए बहुत बहुत बुलिश रहा है। ओके, सो अगेन मेरे भाई, मैं वही कहूंगा जैसा मैं हर रोज कहता आया हूँ, आई नो काफी बोरिंग टाइम है, लेकिन होल्ड करो, टाइम आएगा। ओके, इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स जो बहुत अच्छा आज कर रहे हैं, क्योंकि सबकी पिटाई हुई है, लूना वापस गिरा है $46 के आसपास। ओके, मैटेक वापस, तो मतलब ऑलमोस्ट सब रेड में है, चेनलिंक जो है वो 5% ऊपर है, बहुत जबरदस्त टोकन है ये, सो नो कंप्लेंट्स। ओके, और अगर तुम देख सकते हो मैना ऊपर है, सो बहुत रेयरली टोकन जो है वो ऊपर है, बाकी तो भैया सबकी बैंड बची है, $8, 8%, और ये बहुत अच्छा टोकन है, इस पे मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगा जरूर, क्योंकि शायद बहुत से लोग इससे उम्मीद हार चुके हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ओके, अब ये सब ऑल्ट कॉइन्स तो ठीक है, लेकिन हमारा ये टोकन फ्लक्स क्या है, ये टोकन काफी कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये टोकन जो है ना, एक तो इसका करंट प्राइस अगर आप देखते हो तो सिर्फ $1.5 है, मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ $350 million है, सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 50% ही बाहर है, सो वो थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि यूजुअली अगर प्रमोटर्स के पास ज्यादा रहेगा तो भैया कल को सब डंप करके ना भाग जाए, इसीलिए हमें इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, सो एक ये डिस्क्लेमर है इसमें। ओके, उसके अलावा अगर आप देखते हो तो मार्केट रैंक इसका 150 है, ऑल टाइम हाई इसका जो था वो ऑलमोस्ट $3, $3.5, $4 के आसपास था, और लो तो काफी पीछे अब रह चुका है। ओके, अब ये है क्या प्रोजेक्ट, हम लोगों ने सबने क्लाउड का नाम सुना, और जब भी क्लाउड सर्विसेज की बात आती है तो आप लोग Amazon या फिर Azure या फिर गूगल क्लाउड, उन्हीं सब क्लाउड्स की बात करते हैं, राइट? लेकिन भैया जब हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ मूव हो रहे हैं, ओके, हम लोग ब्लॉकचेन की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ये ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड है। ओके, सो फंडामेंटली बहुत बहुत जबरदस्त, आपको AWS सर्विसेज की तरह ये सारे के सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने डैप्स एप्स, सो बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तुम लोगों के काम आएगा, लेकिन ब्लॉकचेन के जो डेवलपर्स हैं भैया, वो तो इस पे ही जाके एप्स बनाएंगे, और जब वो इस पे एप्स बनाएंगे, इसको यूज करेंगे, तो टोकन का प्राइस भी बढ़ेगा। ओके, और रिसेंटली इनके लिए बहुत बहुत मैसिव न्यूज आई है, जहां इनकी पार्टनरशिप NVIDIA के साथ हुई है। ओके, सो बहुत जबरदस्त, इनके ट्विटर के ऊपर भी अगर आप जाके देखते हो तो कम्युनिटी जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इसीलिए ये टोकन का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को इतना पता ही नहीं है। और एनीवेज, अब नेक्स्ट जो साइकिल आने वाला है ना, वो Web3 का आने वाला है, सो Web3 में ये प्रोजेक्ट, और वो भी अच्छे खासे पार्टनरशिप्स के साथ, तो भैया तुम खुद सोच लो ये प्रोजेक्ट कहाँ का कहाँ जा सकता है। ओके,
इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वेबसाइट एक बार देखो समझो, मतलब जबरदस्त है। इन लोगों के कितने पार्टनर्स हैं वो भी इन लोगों ने बताया है, कितने उनके ऊपर एप्लीकेशंस हैं और कैसे रन हो रहे हैं वो भी सब कुछ उन्होंने बताया है। काफी बड़े बड़े लोग इनके पार्टनर्स हैं, तुम देखो पोलका डॉट, कडेना। सो मेरे भाई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बट अगेन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो अपनी रिसर्च जरूर करना। ओके, और इसके बाद अगर आप देखते हो तो ये हम लोगों ने न्यूज ऑलरेडी डिस्कस की, जहां वेब थ्री के साथ उनकी पार्टनरशिप, सॉरी एनवीडिया के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई है, और ये लोग वेब थ्री को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ओके, तो फंडामेंटली टोकन अच्छा है, ओके, कॉन्सेप्ट वाइज भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, मार्केट कैप जो है वो भी ऐसा, तुम देखो मिड कैप है, तो ऐसा ज्यादा रिस्की नहीं है कि कल को डूब जाएगा। ओके, लेकिन अब चलते हैं टेक्निकली कि क्या ये बाइंग जोन में है कि नहीं। $4 उसका हाई था, ओके, $4.25, और वहां से अगर आप देखोगे तो ये टोकन अच्छा खासा करेक्ट हुआ, $8 तक गया। ओके, और क्या ये अब मेरा बाइंग जोन है, मुझे यहाँ बाय करना चाहिए? नहीं यार, थोड़ा हम लोग और वेट करेंगे। मैं इसे लॉगरिथमिक, वापस से लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर लेता हूं। ओके, तो मेरा बाइंग जोन कहाँ रहेगा, क्योंकि फिलहाल अभी ये क्या कर रहा है, ये एक बेयर फ्लैग बना रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे। तुम अगर देखते हो तो ये एक बेयर फ्लैग है जो होपफुली ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, और एक बार ये रेजिस्टेंस हुई 1.36 की, तब हमें जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां मिलेगी। ओके, और मेरी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, $1 से लेके 80 सेंट्स के बीच बीच में मैं इस प्रोजेक्ट को बाय करूंगा, फिलहाल बाय नहीं करूंगा। ओके, सो बाइंग जोन के लिए अभी थोड़ा पेशेंसफुली हमें वेट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट अच्छा है, अपने वॉचलिस्ट में डालो, अलर्ट्स पे डाल दो। ओके, अब ये तो हुआ बाइंग जोन, अलर्ट, ओ सॉरी, अब टारगेट कहां तक है उसका। ओके, तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट के टारगेट की बात करता हूं तो ये मेरा फिब जो है वो हाई, और मान लो ये यहां तक आया नीचे, ऑलमोस्ट ये येलो बॉक्स के बीच तक, तो मेरा पहला टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट $8 का रहेगा। ओके, $8, सो अभी अगर तुम देखते हो तो करंट प्राइस जो है वो सिर्फ $1 है, और यहां से अगर ये $8 तक जाता है तो मेरे भाई 8x गेन्स। ओके, और सिर्फ $350 million है, तो उसे एक छोटा सा पुश ही चाहिए, एक छोटा सा, और उसे ऐसा क्या कहते हैं, मतलब एक मैस बड़ी न्यूज सॉर्ट ऑफ, जैसे अभी एनवीडिया के साथ उसका आया है न्यूज, एक आधी और उसे ऐसा न्यूज चाहिए, बुलिश मार्केट चाहिए जहां बिटकॉइन ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये प्रोजेक्ट महज 1.5 महीने में ही 8x के गेन्स दे देगा। ओके, सो अगेन मैं वही कहूंगा, लेकिन ऐसा मैंने बोला है तो सीधा जाके इन्वेस्टमेंट करना मेरा भाई, खुद थोड़ा सा जरूर इस पे रिसर्च करना, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एंटरटेनमेंट चैनल है, फाइनेंशियल एडवाइस हम लोग नहीं देते। ओके, तो मेरे भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। अगेन थोड़ा वेट करना, देखो मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके बाद ट्रेड लेना। और डीसीए करने वालों, अभी बिल्कुल कुछ डीसीए करने की जरूरत नहीं, हम लोग एक और मैसिव डीसीए हम तभी करेंगे जब एक अच्छा खासा डिप आए, तब तक पैसा जो है वो एक्यूमुलेट करते रहो। ओके, तो चलो मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुमसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।